जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ बिजनौर। अच्छा, आज डीएम को ज्ञापन देना है, किस संबंध में? ये जिस तरह से चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार भाइयों पर जुर्म उठाने का काम कर रही है इस सरकार, ये मैं समझता हूँ नपुंसक सरकार है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ ये लोग जुर्म ढाने का काम करती है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार भाइयों के ऊपर जुर्म ढाने का काम किया है, ईडी के छापे लगवाने का काम किया है, अरे अपने नेताओं के यहाँ छापे लगवाओ ना, जिन्होंने बलात्कार में फंसे हुए ब्रजभूषण जैसे उनके यहाँ छापे लगने चाहिए। और इनके सब लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं तमाम ठेकेदारियों में, तमाम फैक्ट्रियां लगाने का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे क्यों नहीं लगवा रहे ये लोग? जो भी बोलता है उसके खिलाफ छापा, जो भी बोलता है उसे जेल भेजने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज की तारीख में मोदी जी राहुल गांधी से इतने घबरा चुके हैं, उन्हें सोते उठते, अभी पीछे हरियाणा में भाषण उनका हुआ था 51 मिनट में 48 बार राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का नाम लेने का उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी का ऐलान है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारों पर कोई जुर्म नहीं ढाया जाएगा, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये जिस तरह से बेऔलाद आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूंगा ये खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा।